सो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्क्रीन कंट्रोल के बारे में। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्क्रीन कंट्रोल होता क्या है। जितने भी फास्टेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो फास्ट मूवमेंट करने के लिए अपनी स्क्रीन को काफी ज्यादा घुमाते हैं। ज्यादा फास्ट मूवमेंट करने के लिए आप ज्यादा स्क्रीन को घुमाओगे तो सही है, पर ज्यादा हेडशॉट्स मारने के लिए स्क्रीन को स्टेबल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी फास्टेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनका स्क्रीन का कंट्रोल अच्छा नहीं होता है, जिससे कि उनके हेडशॉट्स कम लगते हैं। फास्टेस्ट प्लेयर्स का एक्यूरेसी का लेवल कम होता है, ये बात आपने सुनी होगी। तो इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने स्क्रीन के कंट्रोल को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ क्लिप्स दिखाता हूं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि स्क्रीन कंट्रोल आखिर क्या होता है। तो एग्जांपल के लिए आप इस क्लिप को देखो। यहां पे मैं थोड़ा सा ऐसे घूमता हुआ गया, यहाँ पे मैंने वो लगाया, मैंने जंप करके इस एनमी को हेडशॉट मार दिया। ठीक है गाइस, अब इस एनमी को हेडशॉट कैसे लगा, क्योंकि मैंने इस एनमी को स्क्रीन के बिल्कुल बीच में लिया था जिससे कि मेरा एम इसके पास ही था, मैंने ड्रैग किया, इसको हेडशॉट लग गया। अब फास्टेस्ट प्लेयर्स के साथ क्या होता है कि वो अपने एनमीज को स्क्रीन के बीचों बीच नहीं ले पाते। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एम और एनमी काफी ज्यादा दूर है। सिंपल शब्दों में एनमी स्क्रीन के बीच में नहीं है तो यहाँ पे इसको हेडशॉट नहीं लग सकता। तो मैंने फायर किया, पर फायर होने से पहले मैंने वॉल पे क्लिक कर और उसके बाद मैं इस तरीके से खेला जिससे कि एनिमी स्क्रीन के बीच में है या फिर मेरे एम से पास हो, जिससे कि मैं ड्रैग अच्छे से कर पाऊँ। और मैं यहाँ पे ऐसा ही किया मैंने और इसको फिर हेडशॉट मार दिया। स्क्रीन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपका एनिमी या तो बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए स्क्रीन के, या फिर थोड़ा राइट या लेफ्ट होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो उसे हेडशॉट फिर नहीं लगेगा। अभी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जिससे कि आप अपना स्क्रीन का कंट्रोल बढ़ा सकते। टिप नंबर वन का मैंने नाम रखा है 50-50। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये बात कहता था कि अपने गेम प्ले में मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी को पूरा बैलेंस करो। 50-50 का मतलब यही है कि 50% मूवमेंट होनी चाहिए और 50% एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। पर मैक्सिमम मोबाइल प्लेयर्स के गेम प्ले में क्या होता है, 99.9% मूवमेंट, 0.01% एक्यूरेसी। बात तो सही है। सही कहा ना गाइज मैंने, अपनी मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी को बैलेंस करो। और मैं आपको एग्जांपल के लिए क्लासी भाई का गेम प्ले देखने को कहता था कि आप कभी क्लासी भाई का गेम प्ले देखना। क्लासी भाई के गेम प्ले में मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी 50-50 होती है। क्लासी भाई के गेम प्ले में ज्यादा मूवमेंट नहीं होती जिससे कि उनका स्क्रीन ज्यादा नहीं घूमता, ना ज्यादा शेक करता है, ना ज्यादा हिलता है, और उनका एक्यूरेसी का लेवल 50 रहता है, मतलब कि बैलेंस रहता है। जब आपका स्क्रीन ज्यादा नहीं घूमेगा तो आप एनिमी को स्क्रीन के बीचों बीच ले पाओगे। जब एनिमी बीचों बीच आएगा तो आप अच्छे से ड्रैग कर पाओगे, हेडशॉट लगेगा। अगर एनिमी स्क्रीन से 2 किलोमीटर दूर होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आपकी स्क्रीन यहाँ है और एनिमी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ से ड्रैग भी खींचोगे तो हेडशॉट नहीं लगेगा। और मूवमेंट वाले प्लेयर्स के साथ ऐसा ही होता है, वो काफी दूर से ड्रैग खींचते हैं, कई बार हेडशॉट लग जाता है, कई बार नहीं लगता। तो टिप ये है कि सिर्फ मूवमेंट के ऊपर फोकस मत करो कि मुझे ज्यादा फास्ट मूवमेंट करना है, अपनी एक्यूरेसी पे भी फोकस करो, 50-50 करो गेम प्ले के अंदर दोनों चीजों। हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर आपकी मूवमेंट स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी तो आप कस्टम के अंदर 1v4 में 4 बंदों को भगा सकते हो। 4 बंदे आपको गोली भी टच नहीं कर पाएंगे, पर आप भी उनको एक भी गोली टच नहीं कर पाओगे। बात तो सही है। तो सही बात यह है कि 50-50 रखो दोनों चीजों को अपने गेम प्ले के अंदर, 50-50 रखो। मेरे गेम प्ले के अंदर मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी 50-50 है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। टिप नंबर 2, मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ जो कि मैं 2020 में और 2021 में करता था अपने स्क्रीन के कंट्रोल को बढ़ाने के। तो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आना है और यहाँ पे आके अपने डबल स्नाइपर ले लेना है और उसके बाद लेफ्ट फायर बटन से अपने फायर करना है और राइट थंब से आपने एम करना है। जब आप राइट थंब से एम करोगे तभी आपको पता लग जाएगा कि मेरा स्क्रीन का कंट्रोल कैसा है। अगर आपके ज्यादा शॉट्स कनेक्ट होंगे तो समझ जाना कि आपका स्क्रीन का कंट्रोल मस्त है। अगर आपके शॉट्स कनेक्ट अच्छे से नहीं होंगे या फिर बहुत ज्यादा कम शॉट्स कनेक्ट होंगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। डबल स्नाइपर के साथ मैं पहले भी प्रैक्टिस किया करता था जब मैंने वन टैप खेलना शुरू किया था, और अभी भी मैं कभी कभी डबल स्नाइपर के साथ प्रैक्टिस कर लेता हूं। इसके साथ आपको फायदा ही होगा, स्क्रीन कंट्रोल अच्छा हो जाएगा और एक्यूरेसी का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो जरूर से ये प्रैक्टिस करना स्क्रीन कंट्रोल को इंक्रीज करना। तीसरा पॉइंट है गाइस, फोकस। फोकस आपका सही जगह पे होना चाहिए, जिंदगी के अंदर भी और गेम के अंदर। गेम के अंदर जब आप खेलते हो तो आपका सारा फोकस होना चाहिए एनिमी के ऊपर। एनिमी के ऊपर फुल फोकस रखो और उसे स्क्रीन के बीचों बीच लो, या फिर अपनी स्क्रीन को ज्यादा शेक मत करो। मैक्सिमम प्लेयर्स गेम खेलते टाइम गलत चीज के ऊपर फोकस करते हैं। गलत चीज से मेरा मतलब है मूवमेंट के ऊपर, मूवमेंट स्पीड के ऊपर मैक्सिमम बंदे फोकस करते हैं कि मुझे ज्यादा फास्ट खेलना है, पर ये गलत है। आपको मूवमेंट स्पीड के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए स्क्रीन कंट्रोल पे। अगर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट के साथ आपका स्क्रीन पूरा स्टेबल होगा तो सामने से एनिमी खुद भाग के आएगा, आप उसे हेडशॉट मार दोगे। पर अगर
आपका स्क्रीन स्टेबल नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा फास्ट खेल रहे होंगे, एनिमी भाग के भी आएगा आप तब भी हेडशॉट नहीं मार पाओगे। बात सही है। मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैक्सिमम बंदे बेवकूफों की तरह खेलते हैं। अगर आप एनिमी के ऊपर फोकस करके खेलोगे ना तो आप अच्छे से खेल पाओगे, आप ट्राई करके देखना। अभी आप गेम के अंदर जाना और एनिमी के ऊपर फोकस करके खेलना। आपको एनिमी को हेडशॉट मारना है या फिर बॉडी शॉट मारना है, उसके ऊपर पूरा फोकस रखो। और जब आप पूरा फोकस रख के खेलोगे तो आप एनिमी को हेडशॉट मार भी पाओगे। आप ये ट्राई करके देखना।